बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी फिले मुस्तकबिल मतलब, इसकी पहचान उर्दू में क्या है? गा वाले को गांव, गी गे। फॉर एग्जांपल, मैं स्कूल जाऊंगा। इट मींस फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पास्ट है, जिस तरह मैंने पिछले भाग में पढ़ाए हैं, प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। तो इसका मतलब ये है कि हम आने वाले जमाने में, यानी मैं आने वाले वक्त में स्कूल जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके बाद ये प्रेजेंट है, ये फास्ट है और इसके बाद जो टेंस इस्तेमाल होता है, जो जमाना इस्तेमाल होता है, उसे फ्यूचर टेंस कहा जाता है। फ्यूचर की चार किस्में हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस। इसकी पहचान उर्दू में गाबल पगाम, गाबी। फॉर एग्जाम्पल, वो सबक लेंगे, वो सबक लेंगे। इट मींस अभी तक उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन इसके बाद वो लेंगे। या फॉर एग्जाम्पल, सलमा खाना पकाएगी, खाना पकाएगी, यानी अभी तक उसने पकाया नहीं है, लेकिन इसके बाद वो पकाएगी। तो इस तर्ज के जुमलों के लिए हम क्या कहते हैं? फिले मुस्तकबिल मतलब, यानी आने वाला जमाना। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जिस काम का इरादा हो, या कि हम मैं स्कूल जाऊंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं सबक पढ़ूंगा, तो उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। अब इंग्लिश में इसकी पहचान किया है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी काम करने वाले जुमले में। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस जुमले में मैं काम कर रहा हूं, यानी मैं स्कूल जाऊंगा। उसके बाद विल या शैल। अक्सर स्टूडेंट यहां भी कंफ्यूज होते हैं कि शैल कहां भी इस्तेमाल होता है और विल कहां भी इस्तेमाल होता है। तो आजकल यानी मॉडर्न इंग्लिश में शैल का कंसेप्ट खत्म हो रहा है, सबके लिए विल इस्तेमाल होता है। तो पहले आई, अगर आई और वी के साथ हम शैल लेके तो ये भी दुरुस्त होगा, अगर विल लेके तो ये भी ठीक होगा, यानी दुरुस्त होगा। आई विल, फॉर एग्जाम्पल, आई विल पुश, आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, या आई शैल गो टू स्कूल, ये दोनों ठीक है यहां पे। लेकिन आई और वी के अलावा बाकी तमाम के साथ सिर्फ विल आता है। अगर हम आई और वी के साथ शैल की या विल की, तो ये जुमला ठीक होगा, दुरुस्त होगा, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में। उसके बाद क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो बांस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आ सकता है और बांस के साथ नहीं आ सकता है, वो जुमले के लिहाज से आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो सबक लेंगे, दे विल राइट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब राइट द लेसन,
वो सबक लेके आएंगी, दे विल राइट द लेसन। इसी तरह फॉर एग्जांपल सलमा खाना पकाएगी, सलमा विल कुक द मील, सलमा खाना पकाएगी। इसी तरह अगर इस टेंस की हम नेगेटिव जुमले बनाते हैं तो विल के बाद या शैल के बाद नॉट आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट या आई शैल नॉट। ज्यादातर विल इस्तेमाल होता है मॉडर्न इंग्लिश में, तो अगर हम आई और वी के साथ विल इस्तेमाल करें तो भी दुरुस्त होगा, ठीक होगा, बल्कि शैल भी दुरुस्त है। आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इसी तरह जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं यानी स्वरीय जुमला बनाते हैं इस टेंस का, तो विल को या शैल को जुमले के स्टार्ट में यानी इब्तिदा में लिखते हैं, बाकी जब जुमला खत्म होता है फॉर एग्जांपल क्या वो सबक लिखेंगे, विल दे राइट द लेसन, विल दे राइट द लेसन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखें। तो ये था प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तारीख और इसकी पहचान। इसी तरह हम पॉजिटिव जुमले बनाने पर और नेगेटिव और साथ ही इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें कि वो आपको अच्छी तरह समझ आ सके। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।